हेलो सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर आपने मार्क्स वेरिफिकेशन पर अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपके टर्म टू में सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40, उसको डबल कर दीजिए 20 और उसका 17% होता है 14 मार्क्स। और अगर यही सेम 10 मार्क्स आपके टर्म वन एग्जामिनेशन में आए हैं उसका डबल करेंगे 20 और उसका 30% निकालेंगे तो 6 मार्क्स। तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स 70% से कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा चेंजेस आया है। तो इसलिए टर्म टू में अगर आपको ज़रा से भी उम्मीद आपने अच्छा किया है और टर्म वन में भी आपके अच्छे मार्क्स थे और उसके बाद भी आपको आरटी लगा है तो प्लीज़ मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। थर्सडे रात के 12 बजे बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो ही आप आंसर बुकलेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ही आप कोई किसी भी क्वेश्चन को चेक कराने के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद आप प्लीज़ अगर आपका आरटी है कंपार्टमेंट है तो आप मार्क्स वेरिफिकेशन में अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।